जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है आदेश दिया है कि 29 सितंबर जो है वहां सर्जिकल स्ट्राइक डे स्कूल्स में ऑब्जर्व किया जाएगा। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर साहब से, इनसे जानेंगे कि इनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस सिलसिले में। तो सर, सबसे पहले कि जिस तरीके से जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ये आदेश जो है पास किए कि सर्जिकल स्ट्राइक डे ऑब्जर्व किया जाएगा कश्मीर में, हालांकि पहली दफा ऐसा होगा कश्मीर में, तो आपको क्या लगता है स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए क्या ये पॉसिबल हो पाएगा गवर्नमेंट के लिए कि कंडक्ट करे स्कूल्स में इस तरीके के जो इवेंट्स कहा गया है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक भी पहली बार हुई, ये भी मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट में सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि दुश्मन को उसके घर में घुस के मारना, इससे बड़ा साहस, इससे बड़ी बहादुरी हो नहीं सकती है। मुझे यहां तक मैं कहता हूं कि पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मली एक सर्कुलर जारी किया था यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, अब गवर्नर ने इसका निकाला है। हमें इस चीज को मनाना चाहिए ताकि जो हमारी नई जनरेशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो कॉलेजेस में, चाहे स्कूल, मैं यहां तक कहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में भी इस चीज को एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक जो दो साल पहले घुस के दहशतगर्दों को मारना, ये अपने आप में फौज की सबसे बड़ी बहादुरी है, उसकी अचीवमेंट है। हिंदुस्तान आर्मी को उसकी बहादुरी पर मैं सलाम करता हूं, और यहां तक मैं कहता हूं कि देश के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को नेशनलिस्टी और नेशनलिज्म सिखाना, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई मौका होगा। इस चीज को हमें खुद ब खुद आगे आकर मनाना चाहिए। ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट को लेकर, लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिसे कहा गया है कि फुल प्रूफ नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक का, यानी इंडियन आर्मी जो है फुल प्रूफ नहीं दे रही है, तो उसे आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, यहाँ की रीजनल पार्टीज, वो क्या मोदी गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों की इंडियन आर्मी को सर्टिफिकेट, इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन आर्मियों से एक आर्मी है, मुंजिम आर्मी है। हिंदुस्तानी आर्मी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर उनको सर्टिफिकेट देखनी है, पहले वो अपनी सर्टिफिकेट देखे कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ कहीं हम गद्दारी तो नहीं कर रहे, और खासकर फौज के खिलाफ उंगली उठाना किसी तरीके से जायज नहीं है। तो ये बताएं सर, जिस तरीके से जो है अब सर्जिकल स्ट्राइक डे का जो है दिन मनाया जाएगा, और जिस तरीके से जो है पूरे भारत में इसे मनाया जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर हम सेंट्रली पार्टीज की बात करें तो बहुत सारी, कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने भी जो है एक सवालिया निशान, एक उंगली उठाई सर्जिकल स्ट्राइक पर, कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि किस तरीके से और क्या क्या फुल टेक प्रूफ जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के थे। और भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि वो किसी सर्टिफिकेट के लिए जो है मोहताज नहीं है, और उन्हें जो करना था उन्होंने वो किया, हालांकि दो सालों से आप यही मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का यही कहना है कि फुल प्रूफ नहीं है। देखिए, मजबूत कयादत को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। मैं समझता हूं इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस जितनी कमजोर हुई, उन्होंने आजकल ऐसा कुछ नहीं करके दिखाया। उनको दूसरा डर है कि नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करता है, और इंडियन आर्मी जो शौर्य दिखाया, जो बहादुरी दिखाया, उससे उन लोगों को परेशानी हो रही कि कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पे असर ना पड़े। भाजपा गवर्नमेंट थी, कारगिल फतेह किया, मोदी गवर्नमेंट आई, सर्जिकल स्ट्राइक की, और उसके बाद आर्मी ने बाजार वीडियो जारी किए हैं, वो एक फुल एंड फाइनल प्रूफ है। कांग्रेस को डर सता रहा है कि हमने पिछले 60 साल में कोई कुछ ऐसा नहीं करके दिखाया, मोदी गवर्नमेंट ने 4 साल की दौर में इतना करके दिखाया, यही उनको डर सता रहा है, उसके पीछे वो वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का यही कहना है कि इंडियन आर्मी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो अटल ही था, और कांग्रेस जो है उन्हें चाहिए कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स है उनसे बाज आए। एनएम न्यूज के लिए श्रीनगर से यावर शफी। आरो खबरेर अपडेट पेते सबस्क्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी, आर बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।